हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू मिश्रा आज आपको चार तरीके से स्टफ करके आलू के पराठे बनाने की विधि बताने जा रही हूँ। आलू के पराठे का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। आलू के पराठे सारे देश में बहुत बहुत पसंद किए जाते हैं। आलू के पराठे बनाने के लिए हमें चाहिए 3 उबले हुए आलू, जो मैंने कुकर में डालकर 4 सीटी लगाकर बॉईल कर लिए हैं और इसका छिलका निकाल दिया है। 1 बड़े साइज की प्याज बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, 8 लहसुन की कली बारीक कटी हुई, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 पिंच हींग, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच जीरा, 2 छोटी चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, देसी घी। पराठे सेकने के लिए मैंने घी लिया है, आप चाहे तो रिफाइंड भी ले सकते हैं। 2 कप आटा, 1/2 गिलास पानी आटा गूंथने के लिए। अब मैं सबसे पहले पराठा बनाने के लिए आटा गूंथ लेती हूँ और 1/2 चम्मच नमक डाल देती हूँ। दो कप आटे में हमें लगभग 1/2 गिलास पानी लग जाएगा आटा गूंथने के लिए, और आटे को ज़्यादा टाइट नहीं गूंथना है। जैसा हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं वैसा ही नरम आटा गूंथना है। आटा गूंथकर तैयार है, अब मैं इसे सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए ढककर रख देती हूँ। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक मैं आलू की पिथी बनाने के लिए आलू मैश कर लेती हूँ। आलू हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं, अब मैं इसमें कटी हुई प्याज, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, साथ में 2 पिंच हींग, नमक स्वाद अनुसार, साबुत जीरा, साबुत सौंफ, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब इन सभी चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। पिथी बनकर तैयार है, अब मैं आटे को चेक कर लेती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा सा घी लगाकर हाथ पे आटे को मसल लूंगी। पराठा बनाने के लिए आटा तैयार है। अब मैं आपको 4 अलग अलग तरीकों से स्टफ करके पराठे बेलने की विधियां बताऊंगी। पहला तरीका जो बहुत कॉमन तरीका है, इसमें मैं एक मीडियम साइज की लोई लूंगी और सूखे आटे में कोटिंग कर लूंगी। उंगली की सहायता से आपको इसे प्रेस करते हुए लोई को बढ़ाना है। जब आपकी लोई बढ़ जाए तो आप उसमें आलू की पिथी को भर देना है। आलू की पिथी आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा भर सकते हैं। अब मैं उंगली की सहायता से इसे फोल्ड कर लूँगी और इसे प्रेस कर दूंगी। सूखा आटा लगाकर इसे दबा देना है, जो भी इसके अंदर एयर होगी वो निकल जाएगी। अब मैं इसे बेल लूंगी, हल्के हाथों से आपको इसे बेलना है। पहले तरीके से पराठा बिलकर तैयार है, अब मैं इसे प्लेट में रख देती हूँ। दूसरे तरीके में मैं अब एक मीडियम साइज की लोई लूंगी और इसे आटे में कोटिंग कर लूंगी और पूड़ी के साइज की इसे बेल लूंगी। अब मैं इसमें आलू की पिथी भर दूंगी। और इसको हाफ फोल्ड कर लूंगी, कटोरी की सहायता से इसे कट कर दूंगी
और एक्स्ट्रा जो आटा होगा उसको निकाल दूंगी। उंगलियों से कॉर्नर प्रेस कर दूंगी और सूखा आटा लगाकर इसे राउंड शेप में बना दूंगी। अब इसे हल्के हाथों से पराठा बेल लूंगी। दूसरे तरीके से पराठा बिलकर तैयार है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल दूंगी। तीसरे तरीके में मैं अब दो मीडियम साइज की लोई लूंगी और पूड़ी के आकार की उन्हें बेल लूंगी। ऐसे ही मैं दूसरी भी बेल लूंगी। अब मैं इस पर आलू की पिथी रख देती हूँ और आलू को चारों तरफ फैला दूंगी और पहली पूड़ी बिली हुई मैं इस पर रखकर उंगलियों की सहायता से किनारी प्रेस करते हुए दबा दूंगी और सूखा आटा लगाकर पराठे के आकार का हल्के हाथों से बेल लूंगी। तीसरे तरीके से पराठा बिलकर तैयार है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल देती हूँ। चौथे तरीके में मैं अब आटे की लोई लूंगी और उसे राउंड करके सूखे आटे में कोटिंग करके इसे छोटी पूड़ी के आकार की इसे बेल लूंगी। पूड़ी के आकार का बिलकर तैयार है। अब मैं इसमें आलू की पिथी भर दूंगी। और उंगली की सहायता से इसे बंद कर दूंगी। आलू को अंदर प्रेस करते हुए बंद कर देना है और ऊपर से प्रेस कर दूंगी और सूखा आटा लगाकर इसे एक पराठा बेलकर तैयार कर लूंगी। चौथे तरीके से पराठा बेलकर तैयार है। अब मैं इसे प्लेट में रख दूंगी। आप लोगों को जो भी तरीका बेलने का इजी लगे आप उस तरीके से पराठा बेल सकते हैं। अब मैं आलू के पराठे सेकने के लिए तवा गर्म करने रख देती हूँ। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इस पर थोड़ा सा घी लगा दूंगी और पहला पराठा सिकने के लिए तवे पे डाल दूंगी। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है जिससे कि पराठा क्रिस्पी सिके। हमारा पराठा एक तरफ से सिक चुका है। अब मैं पराठे को पलट दूंगी और इस पर घी लगा दूंगी। इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ पराठा पलट दूंगी और दूसरी तरफ भी घी लगा दूंगी। पराठा हमारा अच्छे तरीके से सिक चुका है। देखिए दोनों तरफ से अच्छा ब्राउन कलर आ चुका है। अब मैं इसे किचन टॉवल पे निकाल लूंगी। इसी तरीके से मैं दूसरा पराठा सेक लूंगी। थोड़ा सा घी लगाना है और पराठे को सिकने के लिए डाल देंगे। दूसरा पराठा सिक के तैयार है। अब मैं इसे प्लेट में रख दूंगी। तीसरा पराठा सिककर तैयार है। इसे मैं प्लेट में निकाल देती हूँ। इसी तरीके से हमारा चौथा पराठा भी सिक चुका है। मैं इसे प्लेट में निकाल देती हूँ। आलू के पराठे बनकर तैयार हैं। आप इसे बटर, अचार, हरी धनिया की चटनी या दही के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।